हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा माय न्यू ड्राइंग टेबल के बारे में, जो कि ये है A2 साइज का, काफ़ी हल्का है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हर आर्टिस्ट के लिए जो भी ज़्यादा ड्राइंग करते हैं। वैसे मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था इसको बाय करने का, मुझे पता था ये होता है और काफ़ी आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट संगीत जैसमाती हैं या फिर और भी मैंने काफ़ी आर्टिस्ट देखा है इंस्टाग्राम पे जो कि यूज़ करते हैं, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मेरा जो ये टेबल है मुझे ऐसे ही ड्रॉ करने में काफ़ी अच्छा लगता था। बट जब मैं हॉबी क्राफ्ट इंडिया गया था, अभी दिल्ली आपको बताया था मैंने, तो उन्होंने मुझे सजेशन किया था कि आपको ये बाय करना चाहिए क्योंकि इस तरह से ड्रॉ करने में आप ज़्यादा दिनों तक ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अभी तो कर ले रहे हो, अभी तो मुझे आदत भी हो चुकी है, मतलब मेरे सिर में भी दर्द नहीं होता कि कितनी देर तक मैं नीचे मुंह करके इस तरह से ड्रॉ करता रहूँ, अब आदत पड़ चुकी है। तो उन्होंने कहा ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे और आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा ये लो, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ये आपको आदत पड़ जाएगी और काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, आइज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह से मतलब एंगल काफ़ी बढ़िया होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो लेट्स सी। सो गाइस, कुछ इस तरह का टेबल है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और A2 साइज़ का है। ये A2 साइज़ के पेजेस को मैं इसमें रख सकता हूँ ड्रॉइंग करने के लिए। इसको मैं एक तो इस तरह से रख सकता हूँ, कहीं भी नीचे रखना हो या फिर टेबल पे रखना हो तो, और जो इसका ये प्लेन सरफेस है जहाँ पे भी ड्राइंग करते हैं तो इसको ऊपर नीचे कितना भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से ड्राइंग करने के लिए। यहाँ पे ड्राइंग रख के काफ़ी अच्छे से ड्राइंग कर पाऊँगा मैं और इसको अपने अकॉर्डिंग मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जो ये है देखो, इसको ऊपर नीचे कितना भी कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। सो गाइस, ये काफ़ी बढ़िया एंगल है ड्राइंग करने के लिए। अब मैं आपको बैक से भी दिखाता हूँ, तो बैक से कुछ इस तरह का है, देख लो जो ये होल्डर है वो वहाँ पर किस तरह से लगा हुआ है, तो ये कुछ इस तरह का है, काफ़ी हल्का है ये, मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। इसका जो हैंडल है इसके अकॉर्डिंग हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे 6 हैं जिनमें मैं इसको लगा सकता हूँ और इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी जो भी बोर्ड है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे किया तो उसकी पोजीशन बिल्कुल नीचे हो गई है, अगर पीछे कर दूंगा तो ऊपर हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी, अगर और पीछे कर दूंगा तो और ऊपर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का है, काफ़ी बढ़िया है। और जो नीचे वाला है उसको भी मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको भी। टेबल पर ड्रॉ करते वक्त तो मैं इनको फोल्ड करके रखूँगा इस तरह से, क्योंकि टेबल काफ़ी ऊंचा है पहले ही, तो इनको मैं फोल्ड करके रखूँगा और जो बोर्ड की पोजीशन है उसी को चेंज करूँगा ओनली, कुछ इस तरह से करूँगा मैं, और बोर्ड की पोजीशन को चेंज कर लूँगा अपने हिसाब से, जितना भी ऊपर मुझे करना होगा अपने हिसाब से। तो ये कुछ इस तरह का है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, 760 रुपीज़ का मिला मुझे ये। ड्राइंग रख के दिखाता हूँ मैं, तो मैं ये ड्रॉ कर रहा था अभी A4 साइज़ पे, तो A4, A3, A2 तक का इसमें रख सकते हैं, काफ़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इतना तो हम। और ये है A3, तो A3 भी काफ़ी अच्छे से आ जाएगा और A2 भी काफ़ी अच्छे से आ जाएगा इसमें। अब अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर पाऊँगा, नीचे एक लकड़ी का बना हुआ है वहाँ पे मैं फ़ोन को भी रख सकता हूँ और साथ में पेंसिल्स भी रख सकता हूँ जिस तरह से मैंने रख रखा है, तो काफ़ी बढ़िया तरह से मैं ड्रॉ कर पाऊँगा इस तरह से। और इस तरह से आई थिंक DSLR से वीडियो भी काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड हो पाएगी क्योंकि ये एंगल ओवरहेड नहीं है, तो किसी भी ट्राइपॉड से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये और भी बढ़िया, DSLR से मेरी ड्राइंग जैसी दिखती है एक्चुअल में वैसी ही दिखती है क्योंकि DSLR है ऑब्वियसली। सो गाइस, कमेंट करके बताना किस तरह का लगा आपको मेरा न्यू ड्राइंग टेबल, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे तो। सो गाइस, ये है मेरा न्यू ड्राइंग टेबल जो कि मैंने 760 रुपीज़ का लिया, दिल्ली से लिया था मैंने, और लिटरली बहुत ज़्यादा हल्का है, देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा हल्का है। जो इसकी यहाँ पे जो लकड़ी यूज़ कर रखी है बहुत ही ज़्यादा हल्की लकड़ी है, जब थोड़ा सा जो वेट है वो इसमें है, जो ये वाला एरिया है इसमें थोड़ा बहुत वेट है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो हल्का सा है और बहुत ही ज़्यादा हल्का है। तो इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ और कहीं बेड पर बैठ के ड्राइंग करनी है या फिर कहीं भी करनी है, काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ क्योंकि जो ये है इसका ये भी है, तो इसको मैं इस तरह से करके इस तरह से रख सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप ज़्यादा ड्राइंग करते हैं, आधा एक घंटा करते हैं डेली के तो कोई बात नहीं, अदरवाइज 3-4 घंटे ज़्यादातर घंटे तक बैठे रहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप भी बाय कर लो, ज़्यादा महंगा नहीं है और आप बनवाना चाहें तो कारपेंटर से भी बनवा सकते हैं, मुझे तो मिल गया हल्का सा तो मैंने इसलिए बाय कर लिया, मेरे को भी बनवाना ही था, कारपेंटर से बनवा सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, स्क्रीनशॉट ले लेना और जो जो मैंने पार्ट आपको दिखाया वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप कारपेंटर से भी बनवा सकते हैं, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनवा रखे हैं, बट मुझे सही डील में मिल गया, 760 आई थिंक सही है, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और जो भी सब कुछ है, कलर भी काफ़ी अच्छा है, ब्लू मेरे को काफ़ी पसंद है। तो यही है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप बाय कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ करने में आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है आपके और ज़्यादा देर तक ड्रॉ करते हो तो, और ज़्यादा टाइम तक कर भी नहीं पाओगे जैसे कि मुझे उन्होंने बताया था। तो आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मैं ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो या फिर जो भी मैं यूज़ करूँगा आपको जरूर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।